खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। समापन के अवसर पर जिला समन्वयक सहित स्थानीय पदाधिकारी शामिल हुए। जो सब कुछ सुन ही था हमने, और बाद में जो मैम ने कहा तो बड़ा सही है। कंक्लूड ये कहना था कि अब हम जो अपने गांव से आते थे, आगे जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हैं, जो बनेंगे उस सब गांव के ही रहेंगे। ऐसा क्यों? नहीं शहरों के हो सकते हैं, पर 90% जो रहेगा वो ग्रामीण के रहेंगे। ऐसा क्यों? क्या सोचा आपकी, क्यों ऐसा क्यों? एक तो मैंने सही बताया कि एक जनसंख्या तो गांव में रहती है, दूसरा मेन कारण है कि गांव में तो शुद्ध वातावरण होता है, शुद्ध वातावरण होता है गांव में, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, जल मिलता है। तो जितना व्यक्ति गांव का आगे बढ़ता है उतना शहरी नहीं बढ़ पाता है। शहरी जो सर ने बताया जैसा मोबाइल था, शहरी हमेशा व्यस्त रहेगा तो मस्त रहेगा, वो व्यस्त रहेगा मस्त रहेगा, नहीं व्यस्त रहेगा और अस्त व्यस्त रहेगा मोबाइल में। तो इसलिए हम हमारे लक्ष्य से ना भटके। फिर एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, हर किसी को एक उदाहरण बता दो मैं, अर्जुन वाला, कि हमें बस एक ही देखना चाहिए, चिड़िया की आँख। चिड़िया की दो आँखें हैं, कितने देखता है अर्जुन? एक देखता है, तो हमें एक ही देखे। हमारा लक्ष्य जब भी पूरा होगा जब हम चिड़िया की एक आँख देखेंगे, सभागृह में कौन है, हॉल में कौन है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें काम फोकस करना है चिड़िया की आँख पर। मैंने एक बात सही बताई कि जो हमारी ये उम्र है ये हमारा फ्यूचर तय करती है, ना ही हमारा तो हमारे परिवार का और आने वाले। हमें पत्ता खाओगे लंबी सांस।
जी मैम। जी पत्ता खाना है हाँ मैम, पत्ता खाओगे सबके साथ जी मैम।